नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube व्यूवर्स का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, GST के मामले में आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे हैं और जिस तरह से कपड़ा मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बवाल है, कोलकाता ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, ज़बरदस्त गर्मा गर्मी। आज मैं दिल्ली के गांधीनगर, जहाँ से आप कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वहाँ पर हूँ और मैं गांधीनगर के एक उस शख्सियत से आपको मिला रहा हूँ जिनकी गांधीनगर से मुलाकात हुए करीब 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 आप समझ लीजिए 35 वर्ष के आसपास का समय हो गया होगा, 30-35 वर्ष का सफ़र कम नहीं होता। 1971 से जिन्होंने शुरू किया था मारवाड़ी टेक्सटाइल के रूप में। आपका नाम है श्रीमान राम प्रसाद चमड़िया, जो कि न सिर्फ व्यवसाय उद्योग में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े सक्रिय हैं। राम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। GST के बारे में, जिस तरह से कपड़ा मार्केट में जिस तरह से बवाल हो रहा है, लोग बाग बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं सरकार को, वित्त मंत्री को, GST वापस जाओ के नारे भी लग रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये कपड़ा मार्केट में जो टैक्स लगाया गया है मोदी सरकार ने 2 नंबर के काम को बंद करने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? GST सरकार ने लागू की है, उसका जी मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो 2 नंबर का कारोबार भारतवर्ष में हो रहा है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए ठीक है। मोदी जी का प्रयास ये निश्चित रूप से बढ़िया है। लेकिन इसके साथ ही कपड़ा उद्योग के ऊपर जो GST सरकार लेकर आई है, पहली बात तो जो कि इतना व्यापक है और इतना हर व्यक्ति की आवश्यकता है, जी तो GST कपड़ा के ऊपर नहीं आना चाहिए था। ये फर्स्ट पॉइंट पे यार्न के ऊपर या कपास के ऊपर GST लागू करते, लेकिन अगर ये करते तो सरकार की निचली कड़ियां टूटती है, इसलिए ठीक, सरकार का इस पे कपड़ा उद्योग में GST लाना अनिवार्य हो गया था। आप इस बात से सहमत हैं? लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि जिस तरह से इसको लागू किया गया है, जो इसमें प्रावधान किए गए हैं और जिस तरह से इसकी जटिलताएं हैं, वो निश्चित रूप से व्यापारिक वर्ग को बड़ा परेशान कर रही है। जी व्यापारी वर्ग को GST लागू करने से कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल पहले भी टैक्स देता था, आज भी टैक्स दे रहा है, भविष्य में भी भरपूर टैक्स देगा सरकार को। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि व्यापारिक वर्ग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसका सरलीकरण करे। इसमें जो नियम जटिल हैं इसके आपके जो हिसाब से? नियम है बहुत जटिल है, इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो? प्रक्रियाएं हैं वो बहुत जटिल है, वो एक आम व्यापारी के लिए इसको करना बड़ा कठिन कार्य होगा। जो उच्च स्तरीय व्यापारी है, वो 2-5% है, वो तो निश्चित रूप से अपने उनके पास साधन है, कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन है इसके सब कुछ? अलावा हाँ जो गांव गांव में, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे जो व्यापारी जिनके पास इतने साधन नहीं है, उनको बड़ी कठिनाई आने वाली है इस GST के लिए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसका सरलीकरण करे, टैक्स ले, व्यापारी खुशी से टैक्स देने को तैयार है, लेकिन इसका सरलीकरण करे, इसके जो नियम कानून कायदे जितने सख्त हैं उनको और सरल बनाए, ताकि किसी व्यापारी वर्ग को इसमें ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं हो, बिल्कुल, ऐसा राम मेरा प्रसाद जी सरकार ने से अनुरोध आपने है। बहुत सटीक बात कही कि जो टैक्स ले रही है सरकार उससे व्यापारी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियम प्रक्रिया वो इतनी सरल होनी चाहिए ताकि हर व्यापारी इसको बहुत सुविधा रूप से काम कर सके। और ये आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार के मन में कोई व्यापारी वर्ग के लिए कोई दूसरी भावना है, कोई कुछ ऐसी भावना है? भावना तो है कि ये आम एक कोई भी सरकार हो, केंद्र के अंदर जी एक सबकी एक ऐसी स्थिति रहे कि व्यापारी वर्ग चोर है, जबकि अच्छा, देश के उत्पाद सबसे बड़े टैक्स के रूप में व्यापारी हमेशा टैक्स देता आया है। लेकिन हाँ जो मैसेज सरकारी तरफ से जाता है, चाहे किसी की सरकार रही हो, यही जाता है व्यापारी चोर है, व्यापारी बिल्कुल टैक्स की चोरी करता है, जी। व्यापारी भरपूर टैक्स दे रहा है, उसी से आज इतना बड़ा हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी की वर्ग की बहुत बड़ी पीड़ा है कि सरकार उसको दूसरी निगाहों से देखती है। सम्मानजनक एक खास मेरा बात मेरा अनुरोध है कि सरकार जी व्यापारिक वर्ग को सम्मानजनक स्थिति से देखे, उसको जी उतना ही सम्मान दे जितना जी अन्य वर्ग को देती है, ब्यूरोक्रेट्स को देती है, अफसरों को देती है। बहुत सुंदर, राम प्रसाद लेकिन जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि व्यापारी वर्ग की मेहनत से और वो खून पसीने की कमाई जो सरकार को टैक्स के रूप में देता है, जिससे देश का विकास होता है, देश का निर्माण होता है, GDP की ग्रोथ के आंकड़ों में व्यापारी वर्ग की मेहनत काम आती है, लेकिन लेकिन सरकारें जो पिछली भी रही है उनके मन में व्यापारी वर्ग के प्रति एक हे भावना रही है, एक दूसरी भावना रही है कि व्यापारी टैक्स की चोरी करता है। इसलिए राम प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि सरकार कपड़ा बाजार से भी टैक्स ले, लेकिन नियम प्रक्रिया सरल करे, व्यापारी वर्ग के प्रति सम्मान की भावना रखे,
ताकि व्यापारी वर्ग को ऐसा महसूस नहीं हो कि सरकार उस पर कड़ी निगाहों से काम कर रही है, जबकि व्यापारी देश के विकास के लिए काम कर रहा था, काम कर रहा है और काम करता रहेगा। और कुछ खास बात राम प्रसाद जी? मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि भारतवर्ष के आगे बढ़ने में व्यापारी वर्ग का हमेशा सहयोग रहा है। बिल्कुल ये आज हम देखते हैं कॉलेज है, स्कूल है, बिल्कुल, स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल्स है, धर्मशालाएं हैं, वो सामाजिक क्षेत्र में व्यापारी आगे लेकिन बढ़ाते हैं। व्यापारी वर्ग ने हमेशा से, मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे आज गांव में हमारे रामगढ़ के अंदर हमेशा ही व्यापारी वर्ग ने आज चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जबरदस्त काम किया है, हमेशा व्यापार मतलब बड़े बड़े संस्थान खड़े किए हमेशा ही हैं। दानदाताओं का, बड़े बड़े संस्थानों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का सहयोग रहा है, तो बिल्कुल उनके माध्यम से ये सेवाएं चलती थी बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी स्तर पर। तो आज ये पिछले 20-30-40 साल से होने लगी है, लेकिन शुरुआत उन्होंने की है, नींव लेकिन उन्होंने उससे लगाई पहले है। हमेशा समाज के लिए व्यापारी वर्ग ने काम किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े दुकानदारों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने हमेशा अब कमाया भी है, उसके साथ साथ समाज को बांटते भी रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सुंदर जैसे बात, कमाया है उसी हिसाब से समाज को देते भी रहे हैं, खुले हाथ से नव देते नव रहे हैं, निर्माण करते रहे हैं, नव देश निर्माण की देते रहे, प्रगति खुले में अपना, हाथ से समाज को वापस लौटा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। राम प्रसाद जी की ये व्यथा निश्चित रूप से सरकार को समझनी चाहिए कि व्यापारी वर्ग को चोर न समझे, व्यापारी वर्ग देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। सरकार टैक्स ले, लेकिन नियम प्रक्रिया को इतना सरल बना दे कि आम व्यापारी भी उसको फॉलो कर सके और सरकार तक अपनी बूझ दे सके। बहुत बहुत आभार राम प्रसाद जी, इस वक्त मेरे साथ धन्यवाद। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मैं कह सकता हूँ साहित्य क्षेत्र से जुड़े श्रीमान छत्तर जी छाजेड़, जो कि कवि हैं, साहित्यकार हैं। छत्तर बाबू, आप क्या कहना चाहते हैं जीएसटी पर? एक आपका कवि साहित्यकार का मन क्या कहना चाहता है? जीएसटी अपने आप में एक पूर्ण कर प्रणाली है, जी मगर जो जैसा कि चमड़िया साहब ने कहा कि इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण आम आदमी को एक राहत देगा, और यही मेरी भी सरकार से विनती है कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे करके इसके सरलीकरण को महत्व दे। महत्व दे ताकि व्यापारी वर्ग की जो पीड़ा है वो पीड़ा खत्म हो और व्यापारी वर्ग जो बाजार में सड़क पे उतरा है दुकानों को बंद करके, सूरत में देख लीजिए, कलकत्ता में देख लीजिए, जिस तरह से माहौल गर्म है, व्यापारी सड़क से अब अपनी दुकानों में जाए और अपना काम करे, देश की प्रगति में योगदान दे, और सरकार भी उनकी भावनाओं को सहजता से, सरलता से, सम्मान देते हुए सुने और जो कुछ किया जा सके व्यापारी वर्ग के लिए किया जा सके। बहुत बहुत आभार राम प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार छत्तर जी छाजेड़ जी, और YouTube के लिए मैं संजय सनम, गांधीनगर दिल्ली से, बहुत बहुत आभार।